आसान नहीं होगी दीपिका पादुकोण की अगली फिल्म। पहली बार किया तैयारियों को लेकर खुलासा। दीपिका पादुकोण इन दिनों अपने प्रोडक्शन हाउस की फिल्मों को पूरा समय दे रही हैं। छपाक के बाद अब दीपिका फिल्म महाभारत को लेकर चर्चा में है। पौराणिक कथाओं पर आधारित इस फिल्म को दीपिका ने अपना सबसे बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट करार दिया है। इस फिल्म में वे द्रौपदी के किरदार में नजर आएंगी। फिल्म की घोषणा के लंबे समय बाद दीपिका ने खुलकर अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर बात की है। दीपिका ने बताया, मैं फिल्म की घोषणा के जरिए माहौल बनाने में विश्वास नहीं करती हूँ। मैं बहुत ही विचार करने के बाद इस फिल्म से जुड़ी हूँ। पिछले दिनों मैं फिल्म छपाक के प्रमोशन में व्यस्त थी, इस वजह इस फिल्म के बारे में बैठकर बात करने का समय नहीं था। अभी फिल्म के कलाकारों और बाकी टीम की खोज जारी है। इस फिल्म में दीपिका अभिनय करने के साथ ही मधु मंटेना के साथ मिलकर निर्माता की जिम्मेदारी भी संभालेंगी। इस फिल्म के निर्माण में आने वाली मुश्किलों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, महाभारत को बनाना दूसरी फिल्मों की तुलना में काफी अलग है। निर्माण के स्तर से लेकर बजट और कॉस्ट्यूम तक में 5 गुना अधिक मेहनत लगेगी। मैं कम समय में इसे नहीं कर सकती हूँ। गौरतलब है कि दीपिका पिछली दफा मेघना गुलजार निर्देशित फिल्म छपाक में नजर आई थी। इस फिल्म में वे निर्माता की भूमिका में भी थी। फिल्म में दीपिका के अभिनय और जोया के निर्देशन को समीक्षकों से सराहना प्राप्त हुई। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। वहीं बीते दिनों दीपिका ने हॉलीवुड फिल्म दंगल के आधिकारिक रीमेक की भी घोषणा की है। इस फिल्म में भी वे अभिनेत्री और निर्माता के तौर पर रहेंगी। फिल्म में ऋषि कपूर भी खास किरदार में हैं।